हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टोस्ट बनाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए शुरू करती हूँ बनाना। तो एक टोस्ट के लिए सबसे पहले हम लेंगे अंडा। मैंने 3 अंडा लिया है, कुछ इस तरीके से तोड़ लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी हरी मिर्च। मैं सिंपल बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं यूज करने वाली हूँ। नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद लाल मिर्च लेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हमें लेना है ब्रेड। ब्रेड को आपको जितनी भी स्लाइस यूज करनी है उतना आप ले लीजिए। उसके बाद क्या क्या करना है, ब्रेड का जो ये किनारी होता है, ये साइड का जो पार्ट होता है ब्राउन वाला, इसको हमें स्मूथली काटना है। बहुत आराम आराम से काट के चारों साइड का निकालना है, ताकि मेरा ब्रेड भी अच्छे शेप में रहे और इक्वल शेप में रहे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से निकाल देना है। हाँ जी, मैंने चारों साइड काट दिया है। तो अब मैं गैस पे कढ़ाई रख दूंगी और तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। और जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा था अंडा, तो उसको फिर से मैं एक बार मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इस तरीके से हमें मिक्सचर को लेना है और उसमें ब्रेड को डिप कर देना है। ये देखिए, और चूंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं तेल में धीरे से डाल दूंगी। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, तेल अच्छी तरीके से गर्म रहना चाहिए। और जब आप ब्रेड तेल में डालें तो तेल गर्म होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, गैस का जो फ्लेम है वो तेज़ रहना चाहिए। जब आप ब्रेड डाल दें उसके बाद आप गैस का फ्लेम जो है कम कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और ये देखिए, ये बन चुका है। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाया। हाँ जी, ये बन चुका है। तो अब मैं प्लेटिंग की तैयारी शुरू करूँगी। यहाँ मैंने पहले ही चने की दाल की चटनी रख ली है। आप चाहें तो बादाम का चटनी रख सकते हैं, टमाटो सॉस रख सकते हैं, जो जैसी आपकी इच्छा हो आप वो रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। हमारा एक टोस्ट बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद प्याज रख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, तो इसे कोई भी